अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो चीमा टाइमलाइन। जो आज हम लोग माइनक्राफ्ट की क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर खेलने वाले हैं, और आज हम लोग आपको दिखाएंगे गैंग रॉयल का हाउस इन माइनक्राफ्ट। हम लोगों ने हर जगह ज़मीनें खरीदी हुई हैं और हर जगह हमारे बैंगलोर वगैरह हैं, सो हमने कहा माइनक्राफ्ट वाला बैंगलोर को भी तो दिखाना चाहिए। तो फिर मैंने एक माइनक्राफ्ट के क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर अपना एक हाउस बनाया। चलो तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। टिप्स हैं हमारी इस वीडियो शुरू करने की। पहली टिप है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सेकंड टिप है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड थर्ड टिप है सेंड मी योर फीडबैक ऑन योर कमेंट सेक्शन। चलिए तो फिर हम लोग अपनी गेम को शुरू करते हैं। स्टीव हमारा प्लेयर है, प्ले करते हैं। हम लोग आईफोन पे इसको खेल रहे हैं। हम लोगों को कोई मुश्किल नहीं आ रही, कोई लैगिंग नहीं हो रही, क्योंकि ये हम लोगों ने फुल किस्म का रियल हम लोगों ने इसके अंदर इसको इंस्टॉल करवाया बाय appvalley.com। ऐप वैली बहुत अच्छी गेम है, आपको भी ये अच्छी ऐप स्टोर सॉरी आपको भी ये डाउनलोड करना चाहिए। और इससे आपको जो गेम्स प्ले स्टोर पर नहीं होती, ऐप स्टोर के ऊपर नहीं होती, वो सिर्फ गूगल के ऊपर होती हैं। गूगल के ऊपर भी सिर्फ ऑन एंड्रॉयड के ऊपर होती हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और इस थोड़ा से लोडिंग पे लेट लगेगी, माफ़ी चाहता हूँ उस लोडिंग के लिए। ये ट्रेडर खड़ा है सामने, और ये विलेजर एक वहाँ शीप सी पिकल्स कैन बी स्मेल्टेड इन टू लाइन। और जी हम लोग आप देख सकते हैं हमारा हम क्रिएटिव मोड में हैं, जैसा कि आपको हमने बताया था। ये क्रिएटिव मोड में आप जहाँ मर्जी उड़ें, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। ये तो एक ट्रेडर रोड आया हुआ है, इससे अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, बाद में ट्रेड करेंगे, हमें ट्रेड की ज़रूरत भी नहीं पहली बात तो ये। और ऐसा करते हैं, पहले आपको ऊपर से दिखा देते हैं अपना हाउस। ये है कोई 1-2 कनाल्स, ये छोटा हाउस है। अभी आपको बड़ा हाउस दिखाएंगे यार, उसकी भी वीडियो बनाएंगे यार, सॉरी। और ये चारों ओरों से आप दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं फुल वंडरफुल, बहुत फैबुलस हाउस है यार। और यहाँ हम लोगों ने माइनक्राफ्ट की सॉर्ड जो हमने हाथ में पकड़ी है, डायमंड सॉर्ड वो, और वन हैमर वो जो है हैमर है वो जी हैमर बनाया हुआ। ये ग्रीन यार ये सिर्फ इसमें ही होते हैं यार क्रिएटिव मोड के अंदर, ताकि हम लोग गिने ना, हम लोग आराम से चलते हैं जी। तो वो सामने लिखा हुआ है गैंग रॉयल हाउस, आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, गैंग रॉयल हाउस। ये जी गैंग रॉयल हाउस, हमने कैंडल्स का कोई अहतमाम फुल किस्म का रखा हुआ है। ये हमारा मेन डोर है, ऐसे हमें कोई चोरी वगैरह कोई कर भी ले, हमें टेंशन इतनी नहीं है। चलो जी, तो आपको इस घर की सबसे मेन बात बताता चलते हैं, वाशरूम इसका मेन बात दिखाता चलता हूँ, सॉरी वाशरूम इसका। ये जिधर वाशरूम है इसका, ये कमोड पड़ा है, ये नल है इसका, इधर हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। और ये है हमारा यहाँ लिखा हुआ लिविंग रूम, हम आ जाए अपने लिविंग रूम में चलते हैं जी। तो आज हम लोग आपको अपना फुल हाउस, यहाँ पे किसी गैंग रॉयल के आदमी ने रहना हो, उसके गेस्ट ने रहना हो, फुल फैबुलस जगह है। 2 बेड्स हैं वो, और ये क्राफ्टिंग टेबल्स रखी हुई हैं, ये बुक रैक है, और जहाँ और ये हमारा बुक स्टैंड है जहाँ पे हम लोग रख के पढ़ेंगे। और ये फुल अरबों खड़बों वाली हमारे पास भाई जान, हम लोगों ने वॉइस ऑफ किया सॉरी, क्योंकि फिर यार हमारे सब्सक्राइबर, हमारे गैंग रॉयल के मेंबर वो हमारे से नाराज़ हो जाते हैं। ये पेंटिंग्स फुल अंत किस्म की पेंटिंग्स हमने लगा रखी हैं यहाँ पर। और सामने एक दरवाज़ा है जी, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बाहर पहुँच जाते हैं, वो पूरा घूम के आना पड़ता था, तो फिर हमने सोचा कि यार घूम के आने से अच्छा है यार एक दरवाज़ा ही बना डालो। तो अभी ना हम लोगों ने ये एक दरवाज़ा बनाया, ये फुल मस्त व्यू है, जो भी आएगा वो लड़ेगा ज़रूर इस जगह पे लेटने के लिए, दैट वन प्लेस इस जगह पे, क्योंकि व्यू मस्त है यार, फ्लैट वर्ल्ड है पूरी, यहाँ से बंदा आराम से व्यूज़ ले सकता है। ग्लास इस तरह का है ये कि भाई टूटेगा भी नहीं, हमें कहीं अच्छा भी नहीं। और ये है हमारा नीचे का पोर्शन, बल्कि
वन इम्पॉर्टेंट थिंग तो मैं भूल ही गया, ये है हमारा यो तरबेला, हमारा हॉर्स हाउस कह रहे हैं आप उसको, यार इंग्लिश नहीं आती मुझे उसकी। वो देखो टू ट्रेडर्स, हमारे पास हॉर्सेज हैं टू ट्रेडर, वन ब्राउन वन वाइट एंड वन ब्राउन वाइट मिक्स। हम लोगों ने कहा यार एक ब्राउन एक वाइट, कलर नहीं समझ आ रहा था, मैंने एक ब्राउन और वाइट भी रख लिया यार। इसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ है बीके, बीके। और इन दोनों का हम लोग ट्रेडर्स के घोड़े ही कहता हूँ ज़्यादा, बीके उसको ही कहता हूँ। चलो हम लोग निकलते हैं, उससे पहले ये लोग यहाँ पर आए, फुल इनको भी तमाम लाइट्स का किया हुआ है, रात के समय में उनको डरना लगे या किसी तरह का भी कोई इनको अच्छा डर वगैरह का कोई चांस ना रह जाए। और जी अगले हमारे डायमंड की स्टेयर्स, डायमंड की फुल प्योर डायमंड है यार, और ये साथ फुल मज़ेदार व्यूज हैं यार। दरवाज़ा हम खोल लेते हैं और ये दरवाजे को बंद कर देते हैं। वाह व्हाट, आप लोग इसको इस ड्राइंग रूम के लिए ही, सिर्फ इस ड्राइंग रूम के लिए और अपनी टिप पूरी करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, दोबारा दोबारा कह रहा हूँ आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। इनमें कोई सीट्स और टेबल्स वगैरह या एनीथिंग होती नहीं है, तो मैंने अपने से एक अपनी आर्किटेक्चर दिखाई। आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये डाइनिंग टेबल आपको पसंद आई है कि नहीं आई। और ये आप डायमंड की स्टेयर्स आपको दिखा ही चुको, ये पेंटिंग्स आप देख लें, $1 बिलियन की, $1 बिलियन की एक एक पेंटिंग है हमारी। यो यार चलें जी, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वन मोस्ट, ये एक बहुत अंत वन मोर पेंटिंग, ये सबसे अंत पेंटिंग है, लेकिन सस्ते में मिल रही थी, मैंने बहुत लेनी, नीचे भी लगा रखी है यार। ओ ये पेंटिंग जी पेंटिंग स्पाइडर, ओ ये तो मुझे फ्रैंकलिन लग रहा है। और जी फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग हाउस दरवाज़ा खोलते हैं, इसको भी हम लोग अपना लिविंग रूम ही कहेंगे, छोटा हा बेडरूम। अगर आपने सेपरेट रहना तो प्लीज़ आपके लिए बेडरूम है जहाँ पे आप सो सकते हैं, रात हो चुकी है, हम लोग सोएंगे और सुबह आराम से आँख खुलेगी और उठेंगे और पूरे यहाँ का नज़ारा लेंगे, वाशरूम जाएंगे, ब्रश करेंगे, बहुत चीज़ें करने को हैं जी। तो हमारा है बेल, यहाँ पर भी है बेल, अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैंने वॉइस बंद किया हुआ है। और जी तो, और ये है हमारी पेंटिंग वन मो, और यहाँ पे भी हमने यार रख दिया यार, हमने कहा जो अकेला रहना चाहता उसको पूरे हक ना दें, हम लोग यूँ तो नहीं कर सकते ना यार, गैंग रॉयल के लिए हम लोग तो जान कुर्बान कर देंगे यार। और ये देख सकते हैं आप, हमने फुल बुक रैंक रखा हुआ है, सो आपको प्यारा, उम्मीद करता हूँ आपको प्यारा लगा होगा, ये व्यू भी बहुत प्यारा लगा होगा आपको, हमारा हाउस भी बहुत प्यारा लगा होगा। और जी और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये हमारी हैं लैडर, छोटी वाली स्टेयर्स, ये डायमंड स्टेयर्स हमारे पास ख़त्म हो गई थी यार, हम लोग ये ले, और हम लोगों ने ये अपने फुटबॉल स्लैब भी रखे हुए हैं ताकि हम लोग जब फुटबॉल खेलना हो तो यहाँ ये गोल बना रखा है हम लोगों ने, ये दो गोल्स, वाओ फुटबॉल के लिए हम लोगों ने गोल्स लगा रखे हैं यार। और वहाँ पे हम लोगों ने बारबेक्यू करना हो तो भाई ऊपर ही तिक्के रख देते हैं, और वो नेचुरली तिक्के मज़ेदार बनते हैं। और हमने ऊपर सीटिंग भी की हुई है ताकि किसी ने खाना खूना है ऊपर ही खाना है, नीचे डाइनिंग टेबल पे नहीं मन तो ठंडा मौसम है बारबेक्यू खाना है, यहाँ पे तिक्के को सेका और यहाँ पे मुँह में, वाह व्हाट अ फैबुलस किस्म का यार ट्विस्ट होगा। और ये आपको उम्मीद करता हूँ यार कि आपको ये सारा हाउस मज़े का और अच्छा लगा होगा, लेकिन छोटा तो आपको लगा ही होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, मैंने खुद बहुत ज़्यादा छोटा बनाया है ताकि जल्द से जल्द वीडियो आए, वरना इस ये वाला पोर्शन भी यार एक प्लेइंग पोर्शन बना होता है जहाँ पर मैंने फुटबॉल ज़्यादा बना चुका ऐसे मैंने सारा रखना था। और ये आप देख सकते हैं एक दो कनाल का तो है ही, वो तो अलग बात है। इस हाउस के लिए प्लीज़ माय चैनल को आप, मेरे चैनल की मैं टाइम लाइन्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन कौन सी गेम्स की वीडियोस बनाऊँ, या टॉपिक बताएंगे माइनक्राफ्ट के अंदर बनाने क्या बनाऊँ मैं, डिस्पेंसरी बनाऊँ या जो मर्जी बनाऊँ आप बताइए। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक सेंड कीजिए, और
प्लीज़ यार आपके लिए ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, और आप लाइक कमेंट सेक्शन में कमेंट ना दें, लाइक ना करें मेरी वीडियो को, तो फिर हमारा तो दिल टूटेगा ना यार। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद।